बीजेपी मंदिर पर कानून नहीं बनाती है तो फिर क्या आप वोट करेंगे बीजेपी को? और इसका जवाब देखिए आपके लिए चौंकाने वाला हो सकता है और पहले जवाब से बिल्कुल उलट, हाँ बीजेपी को वोट करेंगे 50% लोगों ने कहा है कि हाँ हम बीजेपी को ही वोट करेंगे, जबकि नहीं में जवाब देने वालों का आंकड़ा सिर्फ 16% रह जाता है। यानी कि कुल मिलाकर 1 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कोर्ट पर जो भरोसा जताया गया था वो कहीं ना कहीं लोगों के जेहन में है, उस पर लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है। शायद यही वजह है कि जब इस सवाल के साथ हम लोगों के बीच जाते हैं कि बीजेपी मंदिर पर कानून नहीं बनाती तो वोट करेंगे या नहीं, तो 50% लोग बीजेपी के पक्ष में वोट करने की बात कहते हैं। राजीव त्यागी, टिप्पणी इस पर आपकी, 50% लोग बीजेपी के साथ खड़े हैं। देखिए मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहता हूं कि ये सर्वे आप अपने आप ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, लेकिन लगता ऐसा है कि कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है सर्वे। देखिए फिर कल फिर से मैं देख रहा हूं एबीपी न्यूज पे शुरू हो गया आप कि हम पार्लियामेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बिल्कुल जो हमें दिखा वो हम दिखा रहे हैं। प्लीज प्लीज मैं कंप्लीट कर लूं चित्रा जी, मैं कंप्लीट कर दूं। मैंने आपके देखने पे, आपके चश्मे पे कहीं भी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया है। चश्मा नहीं लगाती। प्लीज कंप्लीट करने दीजिए। ठीक है, बोलिए। आई रिक्वेस्ट यू, माय हम्बल रिक्वेस्ट यू जी, प्लीज। अच्छा नहीं लगाती मैं, बाय चांस मेरे पास स्क्रीन नहीं है इसलिए मैं देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं। देखिए चित्रा जी, कि बहुत स्पष्ट मैं कहना चाहता हूं, यदि सरकार ने बेहतर कार्य किया होता तो सरकार को आप थंपिंग मेजोरिटी से दोबारा सत्ता में जाते हुए दिखाती, लेकिन सरकार ने, ये सरकार ऐसी सरकार की पूरे देश के 17,000 करोड़ रुपए गन्ने का बकाया आज तक है, सरकार दे नहीं पा मैं रही आपसे है। सवाल राम पूरे देश में रोजगार चले गए गन्ने पर, अरे सीएमआई का लेटेस्ट आंकड़ा। मेरा जो सवाल था राजीव त्यागी, आप उसका जवाब दीजिए ना। हमने पूछा कि बीजेपी मंदिर पर कानून नहीं बनाती तो भी क्या आप उसको वोट करेंगे? 50% लोग यदि वोट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को जी, फिर तो भारतीय जनता पार्टी हंग पार्लियामेंट की तरफ कहां बढ़ रही है? फिर तो पूर्ण बहुमत की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, फिर तो आपके सर्वे की बात करूंगा। तो इसलिए मैंने कहा कि सर्वे कॉन्ट्राडिक्टरी है इस विषय में, है इसको सर्वे कॉन्ट्राडिक्टरी है, सर्वे कॉन्ट्राडिक्टरी है। लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा बड़ी विनम्रता के साथ। देखिए राम मंदिर पे भारतीय जनता पार्टी की कलाई खुल गई है। 1992 में भारतीय जनता पार्टी कहा करती थी, मुझे लग रहा है राजीव जी आपके मन में रहेंगे, सवाल खड़े और 2014 में आते रहते भारतीय जनता पार्टी के 63वें पन्ने पे राम मंदिर चला गया। और मेरे मित्र क्या ये कहेंगे कि अदालत के आदेश के बिना? चलिए आपके मन में जो सवाल खड़े हो रहे हैं राजीव त्यागी, संजय जी से उसका मैं जवाब ले लेती हूँ। संजय जी, ये अपने आप में वास्तव में देश की जनता के मन में भी सवाल खड़ा होगा कि एक तरफ जहां बीजेपी को लेकर गंभीर नहीं मानते हैं लोग, वहीं दूसरी तरफ उसे वोट देने की बात करते हैं, तो ये दो अलग अलग तरह की बातें क्यों कर रही है देश की जनता? देखिए दो बातें हैं। अगर हम ये मान बैठते हैं कि बीजेपी को जो सारे लोग वोट देते हैं वो सिर्फ राम मंदिर पर वोट दे रहे हैं, तो ये बात मेरे हिसाब से सही नहीं। और सर्वे भी ये बताता है कि सिर्फ बीजेपी को वोट लोग इसी के लिए नहीं देते क्योंकि वो राम मंदिर बनाने की पहल करते हैं या उसके बारे में तारीफदारी करते हैं। बीजेपी को वैसे भी लोग वोट देते हैं जो राम मंदिर के लिए शायद उतने मतलब उत्साहित नहीं है, उदासीन है। लेकिन राजीव जी जो कह रहे हैं वो उस बात में भी कुछ ना कुछ दम है। अगर 50% लोग कहते हैं कि हम बीजेपी को तभी भी वोट देंगे अगर वो राम मंदिर बनाए या ना बनाए, उनके वोट का आकलन जो सर्वे बता रहा है वो इतना कम नहीं होना चाहिए था। वोटों का आकलन और ज्यादा होना चाहिए अगर 50% लोग इस बात, या फिर ये माना जा सकता है कि जब भी राम का नाम आता है तो लोग बीजेपी के ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं, क्या ये कहा जा सकता है? इस बात से मैं इनकार नहीं करता कि अगर राम मंदिर की बात हो, राम की बात हो, तो ज्यादातर लोग यही कहेंगे बीजेपी इसके लिए ज्यादा एक तरह से कमिटेड है कांग्रेस की तुलना में। इस बात से मैं इनकार नहीं करता और सर्वे भी कुछ इसी का संकेत देता है। सर्वे भी इसी का संकेत कर रहे हैं, लेकिन राजीव त्यागी सुधांशु जी आपके लिए कह रहे हैं कि बीजेपी ठगने का काम करती है राम के नाम पर। देखिए चित्रा जी, मैंने इससे पहले वाले प्रश्न पर जो विषय उठाया था, मैंने कोई सर्वे पे प्रश्न नहीं उठाया। मैंने कहा अगर पूरा प्रश्न पूछा जाएगा तो ये उत्तर आएगा और आपके दूसरे सर्वेक्षण ने वो बात सिद्ध कर दी। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।